सब्सक्राइब करिए टेक्निकल अर्थ को, प्रेस करिए बेल आइकन हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ पे। आज हम लोग बात करेंगे डेवलपर ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन क्या है, किस तरह से काम करता है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम आपसे। तो इसके लिए चलिए चलते हैं हम लोग सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सबसे पहले देखिए सेटिंग्स ओपन हो गई। तो सेटिंग्स पे आने के बाद आपको सबसे पहले नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई भी डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। सबसे पहले अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको बिल्ट नंबर दिखाई देगा। बिल्ट नंबर जब आपको दिखाई देगा तो इसको आपको 7 times टच करना है। जी हाँ दोस्तों, 7 इसको टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 टच करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा रहा है नाउ यू आर डेवलपर। तो इसको आप जैसे बैक आएंगे तो आपको देख पा रहे हैं कि डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। तो ये यहाँ से डेवलपर ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आइए जानते हैं इस पे क्या क्या ऑप्शन है। फ्रेंड्स, सबसे पहला ऑप्शन है स्टे अवेक। स्टे अवेक ऑप्शन में इस ऑप्शन को अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो इसमें आपका मोबाइल स्टैंड बाई मोड पे नहीं जाएगा। मतलब जितनी देर आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाए रहेंगे आपको ये स्क्रीन ऑफ नहीं होगी, स्क्रीन ऑन रहेगी। सेकेंड ऑप्शन है प्रोसेस स्टेट्स। दोस्तों, प्रोसेस स्टेट्स में आपको मोबाइल के बैकग्राउंड में जो भी एप्स रन कर रहे हैं उनकी जानकारी देता है। जैसे कि मैं प्रोसेस स्टेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 16 hours 41 minutes पहले जो भी बैकग्राउंड में मेरे ऐप्स रन किए हैं उनकी जानकारी दे रहा है। तो मैं गूगल सर्विस पर क्लिक किया है तो इस पर आप देख पा रहे हैं एवरेज रैम 50 MB, मैक्सिमम रैम 52 MB और रनिंग टाइम 100% दिखा रहा है। इस तरह से आप किसी भी ऐप्स की जानकारी ले सकते हैं उसमें कितने MB रैम यूज़ हो रही है। अगला ऑप्शन है USB डिबगिंग। डिबगिंग में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा। इस पे आप ओके का क्लिक कर देंगे तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन आपका काम करने लगा है। डिबगिंग में आपका मेन फंक्शन ये है कि आपका जो मोबाइल का हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उनकी एरर्स को पहचान कर उनसे ठीक करना होता है। और इसका इस्तेमाल आप मोबाइल को रूट करने के लिए भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है अलाउ मॉक लोकेशन। अलाउ मॉक लोकेशन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो इस पे टिक का निशान आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन अब काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल एक आप फेक लोकेशन या फेक GPS क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। अगला ऑप्शन शो टचेस का है। इस पे आप टिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं जहाँ भी मैं टच कर रहा हूँ वहाँ पे एक पॉइंटर के रूप में, एक गोले के रूप में मुझे सर्कल दिखा रहा है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन है शो पॉइंटर लोकेशन। तो दोस्तों, शो पॉइंटर लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और इस पे आप मोबाइल के स्क्रीन पे कहीं भी टच करेंगे तो वो लोकेशन आपकी एक्स और वाई एक्सेस के रूप में दिखाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला ऑप्शन है शो सरफेस अपडेट। दोस्तों, अगला ऑप्शन है शो सरफेस अपडेट। इसमें आपको जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। और इस पे आपके स्क्रीन पे या मोबाइल पे कहीं भी कोई भी बदलाव होगा तो ये आपको पिंक कलर की एक लेयर दिखाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपके सरफेस पे कोई भी बदलाव होता है या कोई भी चेंजेस होते हैं तो ये पिंक कलर की ब्लिंकिंग दिखाई देता है। चलिए इस पे जो है मैं एग्जिट करता हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका है शो लेआउट बाउंड्स। शो लेआउट बाउंड पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन के जो जितने भी ऑप्शंस हैं उनके चारों तरफ एक लेआउट बन जाएगी। ये दिखाता है कि आपके जो भी ऑप्शंस हैं उनका सरफेस एरिया कितना है। अगला ऑप्शन है फोर्स RDL लेआउट डायरेक्शन। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ऑप्शंस हैं वो राइट टू लेफ्ट की ओर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जितने भी मैसेजेस और जितने भी आपके मोबाइल पे जो भी हैं सब कुछ राइट टू लेफ्ट हो जाएगा।
अगला ऑप्शन है विंडोज़ एनिमेशन स्केल। विंडोज़ एनिमेशन स्केल में आप जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसमें आपको 10x सेलेक्ट करना है। इसी तरह से ट्रांजेक्शन स्केल में भी आपको 10x सेलेक्ट करना है और एनिमेटर स्केल में भी आपको 10x सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन कितनी धीमी हो जाती है। ये देखिए, इसी तरह से आप देख पा रहे हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन कितना स्लो वर्क कर रहा है। इसको फास्ट करने के लिए आपको फिर से उसी में जाना होगा और आपको 5x सेलेक्ट करना होगा। विंडोज़ एनिमेशन स्केल 5x सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है सिमुलेट सेकेंडरी स्केल। सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले में आप जैसे ही टच तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी। इसमें आपको कई सारे फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो उसमें आपको मोबाइल के स्क्रीन पे एक सेकेंडरी डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पे एक सेकेंडरी डिस्प्ले ओपन हो गई है। यहाँ से आप, ये एक मिरर की तरह काम करता है, यहाँ से आपकी जो भी मोबाइल स्क्रीन पे चलाएंगे वो इस डिस्प्ले पे दिखाई देगी। इस पे आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे नन कह सकता हूँ। अगला ऑप्शन है आपका फोर्स GPU रेंडरिंग। दोस्तों, ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने GPU यानी ग्राफिक प्रोसेस यूनिट्स की क्षमता को बढ़ा दे सकते हैं और इसका इस्तेमाल गेम्स के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। अगला ऑप्शन है डीबग GPU ओवरड्रॉ। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा। इसमें आपको सेलेक्ट करेंगे तो आप जितने भी आपके ऑप्शन हैं उन सबके सामने एक कलर की ओवरड्रॉ हो जाएगी। इसको मैं ऑफ कर दे। नेक्स्ट ऑप्शन है सिमुलेट कलर स्पेस। इस पर आपको जैसे ही टच करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और इस पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें मोनोक्रोमेसी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे हैं कि ये ब्लैक एंड वाइट हो गई है। और इसी तरह से इसमें और भी ऑप्शन आएंगे, रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड येलो। तो उस तरह से आप अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप कई सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है शो CPU यूजर्स। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप मोबाइल की राइट साइड ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये आपके मोबाइल की CPU किस क्या प्रोसेस कर रही है वो दिखाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट ये आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा। इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लिमिट ही सिलेक्ट रहता है। इसमें आप चाहें तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, कोई भी बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शो ऑल ANRS। दोस्तों, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा और अगर आपके मोबाइल के किसी ऐप में प्रोसेस होने में कोई दिक्कत हो रही है तो ये आपके पास मैसेज भेज देगा कि ऐप इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन के बारे में आप लोगों को मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो।